वेलकम सिलोजिज के इस सेकंड एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, पीओ, क्लर्क, उन सभी में ये आपके क्वेश्चंस आने की संभावना है। हालांकि बैंक में तो ये आपके आते ही हैं और एसएससी सीजीएल में भी दो तीन क्वेश्चन उससे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एपिसोड मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज कुछ क्वेश्चन जो है उससे थोड़े हटकर हैं, कुछ लेवल है उनका, और वो वाले जो क्वेश्चन थे वो थोड़े इजी लेवल के थे। तो आइए हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से आपका सॉल्व करते हैं। कथन आपको जैसा कि पता है, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा है, अगर नहीं देखा हो तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। कथन का यहाँ पर डायग्राम आपको बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको निष्कर्ष फाइंड करने पड़ते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। आइए बात करते हैं। आपका है सभी जी पी है, ठीक है। तो सभी जी पी है, ये आपका हो गया। सभी सी जी है। अब यहां देखिए, सभी सी मैंने ये बोला था, जो ये आपका फर्स्ट लेटर जो होता है या फर्स्ट जो वर्ड होता है आपका, वो अंदर रहता है, ठीक है ना। तो सभी सी जी है। अब यहां पर तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसको अंदर लाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहां पर रख देंगे सी को, ठीक है ना। अगर होता कि सभी पी जी है या सभी पी सी है तो हम यहां बना देते, लेकिन ये सेकेंड वाला आपका कथन ऐसा आ गया कि आपको उसी के अंदर बनाना पड़ा। ये कभी हो जाता है, लेकिन ये बैंक में ज्यादातर ऐसा होता है। और ये जो क्वेश्चन है वो आरबीआई असिस्टेंट के आए हुए क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ आपको, मेमोरी बेस्ड इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका था सभी सी जी है, तो सभी सी अंदर रहेगा आपका, उसके बाद क्या होगा जी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि सभी सी जी है तो सी अंदर रहेगा और जी आपका बाहर बन जाएगा, ऐसा ही मैंने यहां पर बना दिया। निष्कर्ष की बात करते हैं हम। कम से कम कुछ, देखिए यहां पर कम से कम का कोई मतलब नहीं होता आपका, ठीक है ना। बस आप कुछ को लीजिए, सबसे पहली बात ये आप ध्यान में रखिए कि इसका कोई महत्व नहीं होता है, सिर्फ कुछ आप यहां पर देखिए। कुछ पी सी है, कुछ पी सी है, बिल्कुल है, कुछ पी सी है, बिल्कुल है आपके। तो ये पहला वाला आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। कुछ के लिए मैंने ये बोला था कुछ पी, ये जो पहला वाला आपका जो वर्ड है वो बाहर रहना चाहिए और ये अंदर रहेगा, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है सभी पी जी हैं। अब यहां देखिए, सभी के लिए मैंने क्या बोला था, जो पहला अक्षर आपका है वो अंदर रहना चाहिए, लेकिन ये पहला कहां है, बाहर है, तो सभी पी जी तो नहीं हो सकते। अगर यहां पे आपसे ये कहते कि सभी जी पी है तो आपका वो सही हो जाता, तो ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो आपका हुआ ये फर्स्ट आपका सही हो गया, सेकंड क्या है, गलत है। ऑप्शन में आपको देगा कि सिर्फ एक आपका जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपका है, अब यहां पर ये तो आपका जो पहला एपिसोड था उसमें इजी थे, इसमें कुछ ऐसा था कि आपको ये वाला जो है आपको पहले बनाना था वो दूसरा, लेकिन आपको तो ये पता है नहीं, एग्जाम टाइम में आपका काफी कम समय रहता है, तो आप क्या करते हैं, पहला वाला ही बना देते हैं, फिर दूसरा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ा कुछ चेंजेस है, देखिए क्या है। सभी फूल कांटे हैं, सभी फूल कांटे हैं, ठीक है। देखिए इसका फर्स्ट लेटर ही हम लेते हैं क्योंकि उससे ज्यादा आपका लेंथी हो जाएगा। सभी फूल कांटे हैं, कुछ फूल पत्तियां हैं। अब यहां देखिए, कुछ फूल पत्तियां, अगर होता कि कुछ कांटे पत्तियां तो हम उसको यहां से ले लेते, लेकिन फूल भी लेना है। अगर जब फूल लेना है तो जाहिर सी बात है कि अपने आप उसमें आएगा, तो कुछ फूल पत्तियां हैं, ये आपका पत्तियां हो गया। ये देखो यहां पर बोला नहीं था कि कुछ के पी है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि पत्तियां फूल का संपर्क तभी हो पाएगा जब के से भी हम इसको लेंगे, ठीक है ना।
अब देखिए क्या पूछा गया है, निष्कर्ष आपका क्या है, कोई पत्ती कांटा नहीं है। अब यहां देखिए ये कह रहे हैं कोई पत्ती कांटा नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा आपका है ये आपका कांटा है। और ये कह रहे हैं कोई पत्ती कांटा नहीं है, क्यों नहीं है, कोई पत्ती कांटा नहीं है, जबकि यहां पर दिखा रहा है कोई पत्ती कांटा है, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखिए क्या है, कुछ कांटे पत्तियां हैं, कुछ कांटे पत्तियां हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ये वाला आपका पहले से शो कर रहा ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपके मन में एक बात उठ रही होगी कि शायद यहां पर रिया का कंडीशन तो नहीं आएगा, तो उसके लिए यहां पर स्पेस नहीं था, अदरवाइज में वो क्वेश्चन भी आपको यहां पर दिखाता। मैं आपको एक बात बता दूं, या कंडीशन के लिए होता क्या है कि जो दो के बीच में बात होती है, जैसे यहां पर पी और के बीच में बात हो रही थी, तो उनका संपर्क नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये आपका था के एफ और पी, अब आपसे कहते कि कुछ के पी हैं और कुछ के पी नहीं है, दोनों का संपर्क यहां पर नहीं होना चाहिए और दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, उसके बाद एक बार बोलते हैं और एक बार बोलते नहीं है, तब आपका वो या में जाता है। इसके लिए आप थर्ड पार्ट का वेट कीजिए, मैं जल्दी उसको अपलोड करूंगा। खैर इस क्वेश्चन में आपका क्या है, एक बार बोला है इसका संपर्क है रियल में है तो वो सही हो गया, एक बार कह रहे कि नहीं है जबकि यहां पर है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका जो है वो संभावना से है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहां पर संभावना का, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। कुछ ए डी हैं, कुछ ए डी हैं, अब कह रहा है कुछ डी बी हैं, कुछ डी बी हैं, अब देखिए यहां पर संभावना का क्या रहता है, कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि जब भी इस कंडीशन में अगर संबंध नहीं दिखा रहे हैं और संभावना लगाया है तो आपका ये 100% क्या हो जाता है, सही क्यों होता है, आइए बताते हैं। इस डी को हम यहां से ना लिखकर अगर हम ऐसे बना दें, सॉरी ए को ऐसे बना दें, क्योंकि ए और बी का कहीं मना तो नहीं किया गया है यहां पर, ठीक है ना, तो हम इसे बना सकते हैं। अब ये देखिए संभावना बनेगी कि नहीं बनेगी, कुछ ए के बी होने की संभावना है या नहीं है, यहां से बन जाएगा क्योंकि दिया है कुछ ए डी है तो यहां से भी हो रहा है कुछ ए डी है। तो संभावना का मतलब मैं आपको सीधा सीधा ये बता दूं कि अगर इनका संबंध नहीं दिखा रहे हैं और संभावना लगा दिया तो आपका वो सही हो जाएगा, अगर संबंध दिखा रहे हैं उसके बावजूद भी संभावना लगा रहे हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। शायद ये अगला जो आपका निष्कर्ष है वो इसी पर बेस्ड है, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से जरा, आइए बात करते हैं। तो पहला वाला आपका सही हुआ, मैंने क्या बोला, जब भी संबंध नहीं दिखाएं और संभावना लगा दें तो वो आपका सही हो जाता है। कुछ डी के बी होने की संभावना है, कुछ डी के बी होने की संभावना है, देखिए वही बात मैं अभी कह रहा था आप लोगों से कि कुछ डी के बी होने की संभावना है। संभावना क्या है, ये तो रियल में कुछ डी बी हैं, जब रियल में कोई चीज होती है और ये कहते हैं कि वो संभावना है तो वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है ना, तो ये वाला आपका क्या है, ये आपका गलत है, जब संबंध ना दिखाए और संभावना का बोले तो वो सही है, अगर संबंध दिखा दे और संभावना का बोल दे तो वो गलत हो जाता है। जैसे हम इसमें एक क्वेश्चन और अपने आप से अगर मैं बोलूं तो इस मैं आपसे बोलता हूं कि कुछ ए के डी होने की संभावना है, कुछ ए के डी होने की संभावना है, लेकिन यहां पर तो रियल में कुछ ए डी है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, अगर
रिप्लाई से आपको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर से एक वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।